दोस्तों आप सभी लोगों ने अष्टवक ऋषि के बारे में जरूर सुना होगा। एक समय की बात है जब राधा रानी अष्टवक ऋषि से मिली तो उनके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान थी। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। ऋषि अष्टवक को लगा कि ये मेरे कुरूप शरीर को देख के हंस रही हैं, तो वो राधा रानी को श्राप देने लगे। तभी प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी प्रकट हो गए और ऋषि अष्टवक से कहा कि पहले आप ये जान तो लीजिए कि राधा रानी आपको देख कर क्यों हंस रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ऋषि अष्टवक रुक गए और राधा रानी से पूछा कि बताओ तुम मुझे देखकर क्यों हंस रही हो। इस पर राधा रानी ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपके अंतर आत्मा को देख के मुस्कुरा रही हूँ। आपकी अंतर आत्मा के अंदर छुपे उस परम ज्ञान को देख कर मुस्कुरा रही हूँ। श्री राधा जी ने कहा कि मुझे आपके शरीर को देख के हंसी नहीं आई, आपके अंदर ज्ञान और परमात्मा होने का अनुभव हुआ है, इसलिए मेरे मुख पर हंसी आ गई। इतना सुनते ही ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने राधा रानी को वरदान दिया कि तुम सदैव यौवन अवस्था में रहोगी और बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा और ये संसार तुम्हें किशोरी जी के नाम से जानेगा। दोस्तों श्री राधे जी के संबंध में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राधे राधे।